भारत में जीएसटी लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो आइए ये एक समय है कि देखें कि इस अवधि में जीएसटी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सका जिनकी उम्मीद सभी पक्षों ने उस वक्त की थी जिस समय जीएसटी भारत में लागू किया गया था। उन पक्षों में सरकार, व्यापार, उद्योग और जीएसटी से जुड़े प्रोफेशनल्स भी सम्मिलित है। इसके साथ ही 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। जीएसटी के जो घोषित लक्ष्य थे उसमें स्वराज्य में वृद्धि, करों का सरलीकरण, इनपुट क्रेडिट की निर्बाध गति और कर के आधार को बढ़ाना मुख्य थे। इनमें से कर के आधार को बढ़ाना और कर के राजस्व में वृद्धि, ये दो लक्ष्य ऐसे हैं जिनसे सरकार संतुष्ट हो या नहीं, लेकिन निरंतर इसमें वृद्धि होती ही रही है और ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक सकारात्मक कदम रही है। सरकार ने कोविड के दौरान एक निश्चित अवधि का ब्याज माफ कर दिया था, लेकिन इस समय उस अवधि के ब्याज के भुगतान के नोटिस भी आ रहे हैं जिसके जवाब में डीलर्स को ये लिखना है कि यह ब्याज सरकार द्वारा माफ कर दिया गया था। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप मान लीजिए कि जीएसटी किस तरह का रहा है। जीएसटी में मुख्य रिटर्न्स जीएसटीआर 3B में गलती होने पर संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए फर्क तो आना ही था, लेकिन यह समस्या तो सरकारी तंत्र द्वारा ही खड़ी की गई है। जीएसटी में जारी नोटिस एक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है, वरना व्यापार कम होगा और बहुत बड़ा समय जीएसटी नोटिस के जवाब और प्रक्रियाओं के पालन में निकल जाएगा। इनपुट क्रेडिट जीएसटी में निर्बाध नहीं है और धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इससे लेकर प्रावधान सख्त से सख्त किए जा रहे हैं और इस तरह से आप स्वयं यह मान लेंगे कि यह जीएसटी का कभी उद्देश्य था ही नहीं कि जीएसटी इनपुट को निर्बाध बनाना है। विक्रेताओं के सभी दोषों के लिए क्रेता को जिम्मेदार ठहराकर उनकी इनपुट क्रेडिट रोक लेना है इस प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य लगता है, लेकिन यह सब जीएसटी को लंबे समय तक सफल बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। इनपुट क्रेडिट को रोकने की जगह किसी तरह विक्रेता को अपने जमा कराने और रिटर्न भरने के लिए मजबूर किया जाए तो सरकार को इसके लिए उपाय करने होंगे।